हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बैक अगेन विद न्यू वीडियो ऑन इल्मे सादिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो तकरीबन 40 तक सिनोनिम हैं, उसके राइट आंसर्स भी हैं, और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचना लाजिम है। सो स्टार्ट करते हैं और अपनी एसटीएस की तैयारी भरपूर कर लें, और ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को पीएससी जेएससी के हवाले से जो ना पछतावा हो कि भाई टेस्ट ऐसा था वैसा था। अपनी प्रैक्टिस फुल करें और इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो ये भी तैयारी पे डिपेंड करता है। व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स इज़ क्लोजेस्ट इन द मीनिंग द वर्ड प्रोवाइडेड। नीचे में से जो वर्ड दिया गया है, जाहिर सी बात है उनकी मीनिंग जो है वो क्लोजेस्ट कौन सी है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो है, जिसकी हमें सिनोनिम जो है वो फाइंड करना है, रिमोट। ऑप्शन ए है ऑटोमेटिक, बी डिस्टेंट, सी सेवेज, डी मीन। तो रिमोट का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है या सिनोनिम है वो है डिस्टिंक्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर टू डेटेस्ट, उसका क्या है, आर्ग्यू, हेट, डिस्कवर, रिवील। सो डेटेस्ट का मतलब होता है हेट, नफरत करना। ग्रेशियस, प्रीटी, क्लेवर, प्लेजेंट या प्रेजेंट। सो इसका होगा प्लेजेंट, मीन्स खुशगवार। चले जी, फोर क्वेश्चन है प्रिडिकेट, प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का क्या मकसद होता है, फॉरटेल, डिसाइड, प्रिवेंट या डिस्कवर। सो प्रिडिकेट का मकसद जो होता है वो क्या होता है, फॉरटेल। किन, किन का क्या सिनोनिम होगा, एक्सक्यूल, ट्विस्ट, फ्रेंड या रिलेटिव। सो किन का मकसद होता है रिलेटिव, ठीक है, मींस के जो आपके रिश्तेदार हैं। पेंसिव, पेंसिव का क्या मकसद है, ऑप्रेस्ड, कैज्ड, थॉटफुल या हैप्पी। सो पेंसिव, थोड़ा सा मुझे पेंसिव को हम कहते हैं थॉटफुल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेंस, बैनिश। बैनिश का एग्जाइल, हेट, फेड या क्लीन। सो बैनिश का क्या होगा, एग्जाइल। उसके बाद फ्रॉड, मालकॉन्टेंट, आर्ग्यूमेंट, इम्पोस्टर या क्लाउन। सो क्वेश्चन नंबर आठ है, उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, इम्पोस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, सैचराइन, लीव, स्वीट, एराइड या ग्यूट। सो उसका ऑप्शन नंबर जो बी है, स्वीट, वो राइट आंसर है। ड्रग, ड्रग का क्या होगा, स्लीपी, क्रैश, प्राउड या पुल। सो ड्रग का जो राइट आंसर है वो पुल होगा। जोवियल, इनक्रेडुलस, मैरी, रिवोल्टिंग एंड डिजी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो मैरी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैरी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब न्यूट्रल, अनकाइंड, प्रेशियस या मीन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो है वो न्यूट्रल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो बताएंगे, सिम्युलेट, सिम्युलेट, सिम्युलेट का मकसद होता है एग्जाइट, इमिटेट, ट्रिक या अप्लाई। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है बी इम्यूटेट, इमिटेट, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है क्रिसिमा, क्रिसिमा गोस, फोर्स या चार्म या कोरेज। सो 14 का जो राइट आंसर है वो है सी चार्म, ठीक है। एपोरेशन, डिवाइड, डिसाइड, कट या स्क्यूबल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है डिवाइड, एपोरेशन, ठीक है, पोर्शन करते हैं ना, या फिर शेयर या पोर्शन, डिवाइड उसका राइट आंसर है। जेनरिक, जनरल, चीप, फ्रेश या एल्डरी, एल्डरली, ठीक है। तो उसका 16 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ए जनरल, जेनरिक का मकसद क्या है, जनरल। क्यालम, क्यालम मतलब डिस्ट्रेस, इम्प्यूनिटी,
प्रिजर्व स्क्यूरपल। सो 17 का जो राइट आंसर है वो है डी, प्रिजर्व पर सेव। ठीक है, उसके बाद 18 है वेरी। ऑप्शन नंबर ए है काम, बी कर्व्ड, सी कंफ्यूज्ड, नंबर डी कॉशियस। सो 18 का हमारा जो है वो कॉशियस, 18 इज राइट आंसर। उसके बाद डिस्टॉर्ट का सिनोनिम जो है वो क्या होगा, रॉन्ग, एविल, डीफॉर्म या हार्म। 19 का जो हमारा राइट आंसर है वो होगा सी, डैट मीन्स डीफॉर्म। उसके बाद 20 है सम टर्म्स, डेलीरियस, गॉर्जियस, पेरिलियस या लग्जरियस। सो हमारा राइट आंसर जो है वो डी होगा, लग्जरियस। रील, वायरल, फिश, हिट या फिर मिस्टेक। सो 21 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ए, रेल, रील। ठीक है, उसको हम रील भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद इनक्रिप्टेबल मतलब डिफ़िकल्ट, मैस्ट्रीज या इनफ्लेक्सिबल या वेरी। सो 22 का जो राइट आंसर है वो है डी, वेरी, वरी। ठीक है, अपाल, डेलीरियस, कवर्ड, डिसेमी, कन्फ्यूज। 23, सो 23 का हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डिसमे। ओके 24, अच्छा 24 अपराइट, ऑनरेबल, हॉरिजेंटल, हम्बल या स्प्यूपिन। ठीक है, अपराइट का 24, सो 24 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो हॉनरेबल है। ठीक है, उसके बाद 25 पे आते हैं रिवायरी, पेलिम्पसेट, फैंटोम, डे ड्रीम या कोरियो। सो रिवेरिया की मतलब जो सिनानिम है ये 25 है। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर है वो सी है। ठीक है, सो डी, डे ड्रीम। लॉट, डिस्ट्रक्शन, वेस, स्पॉइल या कैवरेट। लॉट का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, सो स्पॉइल्स। ठीक है, और लॉगिशियस का टॉकेटिव, थर्स्टी, ब्यूटीफुल, कंपिसिटेड। और 27 का जो राइट आंसर है वो ए है, टॉकेटिव। ठीक है, कैमरा, इसको चेमरा भी पढ़ते हैं, कैमरा भी पढ़ते हैं, चिमनी, प्रोटेस, एलिजन या पेनेच। ठीक है, सो 28 का जो राइट आंसर है वो सी है, एलिजन्स। टेम्परिटी, एडिसिटी, फियरफुलनेस, शाइननेस या स्टूपिडिटी। सो 29 का जो राइट आंसर है हमारे पास ए है। ठीक है, एडिसिटी। एड्यूस, डिमांड, इलेक्ट, आइडियल या अनलॉफुल। सो 30 का जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, इलेक्ट। सो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की अपडेट जो है वह आसानी ले सकें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।